1 लाख के आसपास गेमिंग लैपटॉप लेने में। इस ओमन 16 को लेकर गलती मत कर देना। इस वीडियो में सब समझ आ जाएगा, बस पूरा देख लेना। तो प्रॉब्लम है ओमन का प्राइस 1 लाख रुपए, बहुत ही ज्यादा है क्योंकि इसमें स्पेक्स 1 लाख रुपए लायक है ही नहीं। वहीं एसर प्रेडेटर हीलियोस नियो 16 का प्राइस 98,000 रुपीज है और ये ओमन 16 से कहीं ज्यादा बेहतर स्पेक्स देता है। तो तुम कंफ्यूज ना हो, इसलिए देखो कि 1 लाख की प्राइस में तुम्हें कितनी चीजों से कॉम्प्रोमाइज करवाता है ये HP ओमन 16। जैसे कि डिस्प्ले, अब इसमें 16 इंच की डिस्प्ले है लेकिन ये वही फुल HD 1920x1080p रेजोल्यूशन वाली है, मतलब 16:9 एस्पेक्ट रेशियो। आमतौर पे 16 इंच डिस्प्ले का मजा इसके इंक्रीज्ड वर्टिकल स्पेस में होता है, वो आपको मिलता ही नहीं है इस लैपटॉप में। और पैनल क्वालिटी भी बेसिक है, 250 निट्स ब्राइटनेस, 144 हर्ट्ज और 45% NTSC और कोई भी अडेप्टिव सिंक टेक्नोलॉजी आपको मिलती नहीं है। अब वहीं पे इससे सस्ते प्रेडेटर नियो 16 में अच्छे पैनल क्वालिटी वाली 165 हर्ट्ज वाली स्क्रीन मिलती है, 100% sRGB कवरेज मतलब कलर एक्यूरेट, ऊपर से इसमें G-Sync भी है। दूसरा कौन है स्टोरेज इस लैपटॉप में, ना 1 लाख का होने के बाद भी सिर्फ एक M.2 स्लॉट है और एक स्लॉट होना एक अलग ही प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। मान लो अब तुम्हें एक स्लॉट में स्टोरेज अपग्रेड करनी है तो कितनी प्रॉब्लम होगी, मतलब तुम्हें अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, अपना पूरे फाइल्स को क्लोन करना पड़ा है एक बड़ी SSD में और फिर ये वाली SSD को साइड रख के उसको लगाना पड़ेगा, तो इसका भी यूज गया। या तो फिर तुम 1 TB वाली SSD वाला वर्जन खरीदो जो महंगा पड़ेगा अभी इनिशियली, लेकिन वो वर्थ इट होगा। और अगर तुम सोचो कि हम एक्सटर्नल SSD से काम चला लेंगे बढ़िया, तो वहां भी तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है और यही है इस लैपटॉप का थर्ड मेजर कॉन, पोर्ट्स। इस लैपटॉप में 1 लाख रुपए का होने के बाद भी कोई थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं मिलता और कोई भी USB 3.2 Gen 2 पोर्ट भी नहीं मिलता, सब Gen 1 पोर्ट्स हैं स्लोअर, तो तुम्हारा काम कैसे चलेगा। अब इसी से सस्ते नियो 16 में तुम स्टोरेज देख लो या पोर्ट्स देख लो, दोनों ही तरफ से तुम वॉकआउट हो। स्टोरेज में तुम्हें 2 M.2 स्लॉट मिलते हैं, 1 TB तुम आराम से अपग्रेड कर सकते हो, अप टू 2 TB ऑफिशियली, उससे ऊपर भी जा सकते हो, हालांकि ये टेस्ट नहीं किया है किसी ने, मैंने भी नहीं किया, मेरे को लैपटॉप नहीं मिलते। और पोर्ट्स के मामले में उसमें तुमको 2 Type-C पोर्ट मिलते हैं, दोनों ही थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट करते हैं और बाकी के जितने भी USB पोर्ट हैं सब Gen 2 पोर्ट हैं, मतलब फास्टर पोर्ट्स हैं। तो ये होती है अच्छी कनेक्टिविटी जो वर्थ इट है 1 लाख की प्राइस के लिए। अब थोड़े माइनर कॉन्स क्या हैं, इसमें स्क्रीन वॉबल आता है, हल्का लैपटॉप है, पतला लैपटॉप है, तो ऑब्वियस है ऐसा कोई डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं है ये। तो तुम वैसे भी कोई खराब रास्तों में बस में बैठ के लैपटॉप को चलाने नहीं वाले, अगर चलाते हो तो मतलब महंगा भी है बेकार है। अब थर्मल्स देखो, फोटो देखकर ही आइडिया लग रहा होगा कि किसके थर्मल्स तुम्हें अच्छे हैं, ये नियो है ये विक्टस है, लेकिन सच्चाई अब ये है कि इन दोनों के थर्मल्स ही बहुत अच्छे हैं गेमिंग परफॉर्मेंस में। कारण है कि एक तो ओमन में जो CPU है वो कम पावरफुल है तो हीट कम जनरेट करता है नियो के कंपैरिजन में, और 4050 वैसे भी काफी कूल रन करता है, तो इसको एक ठीक ठाक थर्मल सिस्टम भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। इनफैक्ट ओमन की जो नॉइज लेवल्स हैं वो नियो से कम ही हैं। तो तुम समझ गए कि इस लैपटॉप की मेन प्रॉब्लम क्या है, इसमें 1 लाख वाले फीचर्स मिसिंग है, G-Sync, एडवांस ऑप्टिमस और एक अच्छा अप टू डेट फास्टर IO और कीबोर्ड RGB वगैरह की बात नहीं करूंगा, कीबोर्ड इसमें हाफ साइज वाला मिलता है, RGB ठीक ठाक है, जिसको भी समझ में आए। तो कंक्लूजन यही है कि 1 लाख के अंदर अगर तुम बहुत ही बड़े फैन बॉय हो HP के तो ही ले लो, इसमें और कुछ तो तुम्हें मिलता नहीं है। और मेन पॉइंट यही है कि नियो 16 एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, उसके साथ तुम जा सकते हो।